दान किए जाने की इच्छा जाहिर की गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। आज के दौर में कोई अपनों को जरूरत पड़ने पर रक्त तक नहीं देता, लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले इस हद तक गुजर रहे हैं कि वे उनकी हालत के सुधार के लिए अपने अंगों तक का दान करने पर उतारू हो गए। ऐसा ही मामला जनपद में देखने को मिला है। जिला मुख्यालय पर पहुंचा यही वो युवक है जो थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम कबीरगंज निवासी मोहित यादव उर्फ डीपी है, जिसने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सलामती के लिए अपने अंगों को दान करने की इच्छा जाहिर करते हुए खून से पत्र लिखा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजा है। बता दें कि मुलायम सिंह की तबीयत बहुत खराब है, उनका गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए पूरे देश भर में हवन पूजन का दौर भी शुरू हो गया है। युवक का मानना है कि जब किसी की आयु 80 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो उसके शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में उसने पत्र में बताया है कि अगर नेताजी का कोई भी अंग काम करना बंद कर गया हो तो वह नेताजी को अपना प्रतीक अंग समर्पित करने के लिए तैयार है। पत्र में उसने यह भी लिखा है कि जब भी ऐसी नौबत आए तो सबसे पहले अंगदान करने के लिए मौका उसे दिया जाए। उसने और क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी सुनिए। यादव डीपी है मोहित जी, राष्ट्रीय संरक्षक सपा के मुलायम सिंह यादव की तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना सर, जो मेदांता में एडमिट भी हैं। अभी जानकारी मिली कि आपके द्वारा कुछ अखिलेश को पत्र लिखकर कुछ बातें कही गई हैं, क्या है पूरी बात और किस तरह से आपको प्रेरणा मिली ये बात अखिलेश तक पहुंचाने की? जी, जब मुझे मीडिया से पता लगा कि माननीय नेताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उम्र का पड़ाव भी लास्ट में है, 52+ हो चुके हैं, तो इस उम्र पर लोगों की बहुत संग काम करना बंद कर देते हैं, तो मुझे ये लगा कि कोई ऐसा अंग जो हम दे सकते हैं जो डॉक्टर्स के हाथ में होते हैं और चीज़ें सब ईश्वर के हाथ में होती हैं, मैं तत्पर हूँ नेताजी के लिए, हम उनको एक अंग दे सकते हैं। आपने क्या किया किया था इसके लिए? मैंने एक रक्त से खून से एक लेटर लिखा मैंने और बाई पोस्ट भी किया मैंने राष्ट्रपति जी के लिए, ईमेल भी किया मैंने, हमने अपनी भावना व्यक्त की पत्र लिखकर कि किसी वक्त भी आवश्यकता पड़े मैं उनके तैयार हूँ नेताजी के लिए। क्या कारण है आपके? पहली बात तो देखो ये है, हमारे वो सांसद हैं और उनसे हमारा दृढ़ लगाव है, क्षेत्र का ही है, वो जात पार्टी से हटने तक बन चुके हैं। मैंने भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने भी जाता है, लेकिन पार्टी हो या न हो वो उनसे मिलते हैं। और आज नेताजी की जो कह सकते हैं उनका जो रूप बहुत बड़ा हो चुका है, विपक्षी पार्टी यहाँ का देश के पीएम भी, इवन हर लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, मजदूर वंचित किसान सब लोग दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि उनका रूप इतना बड़ा हो चुका है, बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, सैनिक के लिए किया, किसानों के लिए किया है। आपने अपने खून से उनके लिए पत्र लिखा अखिलेश यादव को, क्या कुछ उसके एवज में आपको कुछ जानकारी मिली वहाँ से, अखिलेश से कुछ सूचना जी? हमने जो कल हमने मेल किया था, मेल से वहाँ पे आया है, जिस सीन वहाँ हो गया मेल, और एक और एक नेता द्वारा सूचना से मिली थी कि मोहित ऐसा काम आप न करें, पता लगा ऐसे खून नदियाँ बह जाएंगी यूपी में, हर आदमी लेटर खून से लिखेगा, तो वो मेरी भावना कद्द करते हैं। मैंने उनसे भी कहा ठीक है भाई, हमारा मन में लिख दिया मैंने, मैं फिर दुआ करता हूँ लास्ट में नेताजी के लिए, फिर वो ईश्वर करे उन्हें मेरी उम्र लग जाए।